एस एल पाकिस्तान सुपर लीग दो का तेईस सातवां मुकाबला भी जो कि खेला जाएगा मुल्तान के ग्राउंड में ये मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में तो इस मैच से हम आपको बात करेंगे यहाँ पर पिच रिपोर्ट आ, प्लेयर स्टेट्स मैच विनर कौन होगा प्लेइंग एलेवन क्या होगी पिच कैसा बिहेव करने वाला है क्योंकि दिन का मैच है तो थोड़ा सा पिच अलग बिहेव करेगा सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो मिल आ, तो वीडियो को आगे बढ़ते सो वेलकम टू आवर चैनल महिमा क्रिकेट एनालाइजर तो भाई बात करते हैं पिच रिपोर्ट की तो मुल्तान की अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है फर्स्ट बैटिंग करते हुए यहाँ पर बैटिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है ऊपर से यहाँ पर दिन का मुकाबला है मुकाबला है तो मैं आपको कहूँगा कि फ़र्स्ट बैटिंग करना किसी भी टीम के लिए ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि पिच भाई धीरे धीरे भाई सूरज पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर मुकाबले जो है भाई ढाई बजे स्टार्ट होंगे बहुत ज़्यादा अर्ली मैचेस रहेंगे दिन का मुकाबला रहेगा तो भाई पिच थोड़ा सा ज़्यादा स्लो हो जाएगा सेकंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट डिफ़िकल्ट हो जाता है और पिच बाउंड्री काफ़ी मतलब और काफ़ी छोटी है बैटिंग इजी होती है तो पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बनाना भी काफ़ी इजी होता है तो फर्स्ट बैट विन कर सकता है यहाँ पे अब बात करें अगर हम यहाँ के पिच स्टेट्स के कुछ इन दोनों टीमों का भी मुल्तान सुल्तान ने लास्ट दस मुकाबले खेले हैं उसमें सात मैचेस जीते हैं लास्ट दस उनका 164 सिक्सटी फोर इनका एवरेज स्कोर भी रहा है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दस मुकाबले खेले लास्ट और सिर्फ चार जीता है तो विनिंग परसेंटेज इस्लामाबाद यूनाइटेड का अकॉर्डिंग टू टेन मैचेस काफ़ी कम है मुल्तान सुल्तान के कंपैरिजन में और वन साइन सिक्सटी सेवन इनका एवरेज स्कोर है तो इस्लामाबाद की इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉँग है बॉलिंग कमज़ोर है और मुल्तान सुल्तान की बैटिंग थोड़ी सी इस्लामाबाद यूनाइटेड से इस्लाम कमज़ोर है बट ये बैलेंस टीम नज़र आती है यहाँ पर तीन मुकाबले हुए हैं एक चेस करने वाली टीम ने जीता है बाकी ये दो डिफेंड हुए हैं जिसमें से लाहौर एक मैचेस डिफेंड की थी और एक बहुत ही सिंपल मैच कोयटा जिसमें एक सौ दस बनाई थी एक सौ ग्यारह बना के मुल्तान सुल्तान चीज़ कर ली थी पिसर्स को सेवेंटी फाइव परसेंट विकेट मिलते स्पिनर्स को ट्वेंटी फाइव परसेंट विकेट उसामा मीर काफ़ी कारगर रहते हैं इस इस ग्राउंड में बट मुझे लगता है कि कल कल के मुकाबले में इमाद वशीम और और अपने उसामा सॉरी माफ़ कीजिएगा सादाब खान और उसामा आमिर दोनों ही काफ़ी अच्छा बॉलिंग करेंगे क्योंकि वैसे सेकेंड इनिंग में यहाँ पर स्पिनर्स को विकेट ज़्यादा मिलेंगे कल का मेरा ये प्रेडिक्शन है आप नोट करिएगा इसको सेकेंड इनिंग में बैटिंग बॉलिंग करने वाली किसी एक अच्छे स्पिनर को आप पिक कर सकते हैं वो आपको विकेट देकर जाएगा तो भाई अब बात करें अगर अब बात करें मोहम्मद रिजवान शान मसूद दोनों टीमों को प्लेइंग एवन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की मोहम्मद रिजवान शान मसूद रॉयली रोशो डेविड मिलर कायरन पोलाट खुशदिल साह काटलोस ब्रैथवेट उसामा मीर अब्बास आफरीदी समीन गुल लाला शमीन गुल अच्छे अब्बास आफरीदी मुझे नहीं लगती टीम में कुछ चेंजेस की जरूरत है अक्की हुन के कार्लोस ब्रैथवेट ये एक अच्छी चेंज नज़र आई मुझे और ये बढ़िया भी है और कैरन पुराट से भी बॉलिंग करवा सकते हैं इस ग्राउंड में क्योंकि भाई पिच से अगर स्लो हो जाती है तो आप कैरन पुराठ को भी करवा सकते हैं कैरन पुलाट अच्छे देखिए भी इस ग्राउंड में काफ़ी धीमी धीमी बॉल डाल रहे थे टप्पे पर डाल रहे थे अच्छा है भाई यहाँ पे उस समय में अरे खुजल शाह को भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया मोहम्मद रिजवान ने मोहम्मद रिजवान कैप्टनशीपी मुझे काफ़ी पसंद आई पहले पहले मैच के लिए अगर बात करें कि दूसरी तरफ दूसरी टीम की इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेंग एलेवन के बारे में तो एलेक्स सेल्स एच नवाज़ भाई एलेक्सेस अगर किसी रीजन से अगर नहीं खेलते हैं तो पॉल स्टर्लिंग खेलते हुए आपको नजर आएंगे मोइन अली अगर वो भी अवेलेबल नहीं रहते हैं तो आपको भाई कोई अदर प्लेयर आपको देखने में रेसी वन डेस देखने को मिल सकते हैं बाकी कॉलिन मुंडरू आजम खान आसिफ अली फ़यम अशरफ टॉम करन शादाब खान रुमान रईस मोहम्मद वसीम जूनियर तो इनकी बैटिंग भाई काफ़ी दिक्कत नज़र आती है आपको इनकी बैटिंग भाई मोहम्मद वसीम जूनियर तक भाई रुमान रईस खाली एकमात्र बैटिंग नहीं कर सकते बाकी दस के दस भाई पूरे प्योर बैट्समैन हसन अली है नहीं हसन अली अगर खेलते रुमान रूमानवेज़ बाहर जाएंगे हसन अली खेलेंगे वो भी अच्छी बैटिंग कर ले तो बैटिंग बहुत स्ट्रॉँग इनकी बॉलिंग में भाई थोड़ी सी इनकी कमी नज़र आती है अगर मोहन अली आ जाते है तो सिक्स बॉलिंग ऑप्शन मिल जाएगी है ना अदरवाइज थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है बात करिए मैच कौन जीतेगा तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मोहिमा क्रिकेट कर्नलाइजर वहाँ सा ज्वाइन कर सकते हैं तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड नाइट और बाय बाय